हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टी एम मोड प्लेस डॉट कॉम यूट्यूब चैनल और जी टी एम मोड प्लेस डॉट कॉम वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वक्कास कमर। आप देख रहे हैं जी टी एम मोड प्लेस डॉट कॉम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी टी ए सैन एंड्रीज के एक और नए ग्राफिक्स मोड के बारे में, जिसका नाम है सैन एंड्रीज रियल यूएसए मोड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और इसको प्ले करना है। सो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की जानिब चलने से पहले मैं आप सब लोगों बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल gtmmodeplace.com सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने रियल यूएसए मोड को कैसे डाउनलोड करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ये लिंक होगा, आपने जस्ट क्लिक करना है इस लिंक पर। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके पास मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी gtmmodeplace.com। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ इसके ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह रीड कर सकते हैं। आपने स्क्रॉल डाउन करने के बाद लिंक्स के आगे क्लिक हेयर होगा, आपने जस्ट क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे आपके पास एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ आपने जस्ट 10 सेकंड वेट करना है। जैसे ही हमारे पास 10 सेकंड कम्प्लीट हुए उसके बाद ऑटोमेटिकली उसने जो है वो हमें मीडिया फायर के लिंक पर रीडायरेक्ट कर दिए। यहाँ आपने जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपके पास जो है वो रियल यूएसए मोड की डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करोगे आपके पास यूएसए मोड की एक्सट्रैक्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो जब आपके पास एक्सट्रैक्टिंग कम्प्लीट हो जाए आपने फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास दो फाइल्स आएंगी, एक रीड मोर की और एक इंस्टॉलर की। आपने जस्ट इंस्टॉलर पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इंस्टॉलर पर डबल क्लिक किया आपके पास एक ऑप्शन आएगा यस और नो का, आपने यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें और उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद नेक्स्ट, फिर आई एग्री, फिर नेक्स्ट। और यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है आपकी सैन एंड्रीज कहाँ पर इंस्टॉल है, और एटलीस्ट आपके पास 2 GB जो है वो फ्री स्पेस होनी चाहिए जहाँ आपकी सैन एंड्रीज इंस्टॉल है। मैं ब्राउज पर क्लिक करता हूँ और जहाँ मेरी सैन एंड्रीज इंस्टॉल है मैं उसका लिंक दे देता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ, फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो रियल यूएसए मोड की इंस्टॉलेशन जो है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक 2 GB का मोड है तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा, इतने जो है वो मैं अपनी वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे पास रियल यूएसए मोड की इंस्टॉलेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। जब आपके पास ये विंडो ओपन हो आपने जस्ट टिक करना और फिनिश पर क्लिक कर देना है। और जहाँ आपकी गेम इंस्टॉल है आपने उस फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ हमारा मोड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपने यहाँ आकर क्या करना है, जस्ट GTA SA वाले आइकन पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी पर क्लिक करें। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद आपने कंपैटिबिलिटी के टैब में जाना है, यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड पर क्लिक करें। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हाईएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मेरे पास विंडो 8 शोर है, आप सिलेक्ट करें और उसके बाद अप्लाई कर दें, फिर ओके। और डबल क्लिक करके अपनी गेम को जो है वो रन कर लें तो आपकी गेम जब रन हो जाएगी। We'll be right back.
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल gtamodeplays.com सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।